आर्टिस्ट साहब, आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को अपनी पेंटिंग्स में कैसे दर्शाया है? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। कलाकार किसी भी कंट्री का हो, दुनिया के किसी भी जगह का हो, मुल्क का हो, उसके झलक, देशवासी होने की झलक उसके चेहरे पे आती है। और जब कलाकार हो तो उसकी कला में, उसके रंगों में, उसके सब्जेक्ट में, सोच में, उसके कल्चर में, हर चीज़ में कलामय हो जाता है। और बहुत आसानी से हम ये पकड़ लेंगे कि ये इंडियन आर्टिस्ट है, फॉरेन का आर्टिस्ट है, कहाँ का आर्टिस्ट है, क्योंकि तो उसका कैरेक्टर, उसका चेहरा हमारे देश को प्रतीक है। कलर्स उसके, उसके कपड़े, उसके जत्ते, उसके स्टाइल, खाने पीने की स्टाइल, रहने की, घर, आर्किटेक्ट, हर चीज़ देश से जुड़ जाती है। और उसके हर काम में एक इंडियन कल्चर दिखाई देने लगता है। अगर एक राइटर होता है तो वो भी पकड़ ले आता है कि ये इंडियन राइटर है। इसी तरह पेंटिंग, हमारी पेंटिंग में हमने कलर्स को बड़ा महत्व दिया है। इंडियन आर्ट में कलर्स की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी अहमियत है। हम फास्ट कलर यूज़ करते हैं इंडियन कल्चर में। फास्ट कलर, गांव का कल्चर, शहर का कल्चर, कहीं का भी हो, लेकिन हम कलर फास्ट यूज़ कर लेते हैं। हमारे इंडियन आर्ट में देवी देवताओं को सबसे पहले लिया गया है। कोई भी कलाकार हो, चाहे इतना बड़ा फेमस आर्टिस्ट हो, उसने अपने कल्चर, अपने धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म को ज़रूर कहीं ना कहीं किसी सूरत से अपने कैनवास पर उतारा है। हमने भी बहुत काम किया। इससे पहले एक जिक्र हुआ था, हमारे कलर्स में अगर आप देखेंगे तो बोल्डनेस है और कलर्स फास्ट दिखाई देंगे आपको। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारे इंडियन आर्ट की मजबूरी है। हम इंडियन आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे में वो कलर्स, वो स्ट्रोक, वो सोच पैदा हो जाती है। लैंडस्केप बनेगा तो उसमें झोपड़ पट्टी, खजूर, ये मतलब एक जो लैंड पे हमारी हो रही चीज़ें उनको हम कंपोज करते हैं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की। हमने करीब 5000 गणेश जी पेंट किए, हिंदू माइथोलॉजी पे काम किया, तो उससे हमें अंदाज़ा लगा। हमारे मिलने वाले, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि कुछ भारतीय सभ्यता पे काम करिए। हमने कृष्ण माइथोलॉजी पे काम करा था, वो हमारी भारतीय सभ्यता का सबसे अहम पिलर है। तो इस तरह से हमारी अपनी सोच है कि हमारी हर पेंटिंग में भारतीयता, इंडियन आर्ट है।